सभी को नमः संस्कृताय। हम जो नीति शतक की धैर्य पद्धति दैव पद्धति पढ़ रहे हैं उसका 87 श्लोक आज प्रारंभ करेंगे और इस श्लोक में विधि के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि विधि कितनी मूर्ख होती है इसके बारे में इसको कहा गया है। चलिए पहले श्लोक वाचन करते हैं, इसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। सृजति तावद शेष गुणाकरम पुरुष पुरुषरत्नमलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षणभंगी करोति चेत् हाहाः कष्टम पंडितता विधे। देखिए बोले कि सृजति तावद शेष गुणाकरम पुरुषरत्नमलंकरणम भुवः। इस पहली वाली पंक्ति में जो क्रिया है उस क्रिया का नाम है सृजति, ठीक है। और सृजति का अर्थ होता है बनाता है या बनाती है, जो भी हो सृजति का अर्थ होता है बनाती है या बनाता है। अब आप ये बताएंगे ये सृजति जो है, जितने लोगों के पास वीडियो पहुंचे जो जो उसको देखें वो ये बताएं जो सृजति है ये कौन से लकार का कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है। तो सृजति बनाती है, ठीक है, ये क्रिया हो गई। अब आपको पहली पंक्ति में कर्म ढूंढना है कि ये जो बनाती है वो क्या बनाती है, उसका बनने का कर्म क्या है। आप बनने के कर्म को ढूंढ लेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि बनने का जो कर्म है वो क्या है और इससे आपको अर्थ में सुगमता रहेगी, ठीक है। हमने क्रिया ढूंढी, सृजति बनाती है बनाता है, क्या बनाती है। तो देखिए हमें एक कर्म मिला पुरुष रत्नम, ठीक है, क्योंकि कर्म में द्वितीया होती है, यहां पर द्वितीया हुई है पुरुष रत्नम सृजति, ठीक है, कि पुरुष रूपी रत्न को बनाती है। अब पुरुष तो रत्न नहीं हो सकता भाई, आपका पुरुष रत्न थोड़ी हो सकता है, पुरुष पुरुष है रत्न रत्न है, लेकिन वह पुरुष रूपी रत्न को सृजति बनाती है, ठीक है। कर्म हो गया हमारा पुरुष रूपी रत्न, क्रिया हो गई सृजति, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं कि इस कर्म के क्या क्या विशेषण हैं। तो पुरुष रूपी रत्न को सृजति बनाती है, वो पुरुष रूपी रत्न कैसा है तो उसका एक विशेषण दिया अलंकरणम भुवः। भुवः मतलब पृथ्वी, भाई भू है, भू भुवौ भुवः, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो भुवः है यहाँ पर विभक्ति और वचन क्या है। जितने लोगों के पास वीडियो पहुंचे कृपया बताएं, इससे अभ्यास बनेगा विभक्तियों को पहचानने का, वरना एकदम आप परीक्षा हॉल में बैठ के विभक्तियों को नहीं बता सकते हो। तो भुवः बताइएगा कि इस भुवः के अंदर क्या विभक्ति और क्या वचन है। अलंकरणम भुवः अर्थात पृथ्वी के अलंकरण को पुरुष रूपी रत्न को सृजति बनाती है। स्पष्ट हो गया अर्थ, ठीक है, फिर से देख लीजिए। पुरुष रत्नम कर्म है, पुरुष रूपी रत्न को सृजति बनाती है और उसका एक विशेषण दिया अलंकरणम भुवः अलंकरणम। धरती का जो अलंकरण है, धरती का जो आभूषण है, ऐसे पुरुष रूपी रत्न को सृजति बनाती है, ठीक है। आगे देखिए फिर कहते हैं एक विशेषण और दिया अशेष गुणाकरम, अशेष गुणाकरम पुरुष रत्नम सृजति। अब अशेष गुणाकर्म में क्या करेंगे तो देखिए, देखो शेष का अर्थ होता बचा हुआ, कोई वस्तु शेष होती इसका मतलब बची हुई है, ठीक है। तो अशेष का मतलब जो बचा हुआ नहीं है अर्थात संपूर्ण। तो संपूर्ण गुण, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, तो संपूर्ण जो गुण है उन गुणों का जो आकर है, ठीक है, आकर कहते हैं आपके घर को, ठीक है। तो सारे गुणों का जो आकर है, सारे गुणों का जो घर है, ऐसे पुरुष रत्नम भुवः अलंकरणम सृजति बनाती है।
स्पष्ट आपको कतई अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, तो पुरुष रत्नम भुवः अलंकरणम अशेष गुणाकरम सृजति बनाती है। ठीक है, तावत यद्यपि, अब पहली पंक्ति के जितने पद थे उन सभी पदों का हमने पदार्थ कर लिया, एक एक पद का अर्थ कर लीजिए, इसको अब जोड़िए एक एक साथ में। देखिए कैसे जोड़ेंगे, यद्यपि, तावत मतलब यद्यपि, भुवाः अलंकरणम पृथ्वी का जो अलंकरण है, अशेष गुणाकरम संपूर्ण गुणों का जो घर है, ऐसे पुरुष रत्नम पुरुष रूपी रत्न को सृजति बनाती है। ठीक है, तो ये पूरी पंक्ति का अर्थ शायद अर्थ स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगली पंक्ति देखते हैं, अगली पंक्ति कहते हैं कि अगर मान लीजिए विधि इतने अच्छे व्यक्ति को बनाती है, भाई पुरुष जो है वो गुणों का भंडार है, पुरुष जो है वो रत्न है, पुरुष जो है वो धरती का आभूषण है, धरती का अलंकार है, ये विधि जो है वो ऐसे ऐसे व्यक्ति को बनाती है। मान लीजिए आपको विधि ने बनाया, आप भी पुरुष हैं, यहाँ पुरुष का अर्थ केवल पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं कि महिलाएं आज नाराज हो, बोले गुरुजी ने ये क्या कह दिया, ऐसा नहीं है, या लड़कियां नाराज हो जाए, ऐसी बात नहीं है। पुरुष का अर्थ होता है पुरुष मतलब सभी पुरुष होते हैं, महिलाएं भी पुरुष होती है। अब कहो गुरुजी ये कैसे हो सकता है, महिला महिला होती है, पुरुष पुरुष होता है। देखो पुरुष शब्द होता है, पुरी कहते हैं शरीर को और उसमें शयन करने वाला, पुरुष कहते हैं आत्मा को। ठीक है, पुरुष कहते हैं आत्मा को, पुरी शयाहिति पुरुष, जो पुरी मतलब शरीर में सोता है, तो आत्मा तो महिलाओं के अंदर भी होती है, ऐसा थोड़ी है। अब कहोगे जी ऐसे तो गाय भी पुरुष हो जाएगी, ऐसे तो वृक्ष भी पुरुष हो जाएगा, हाँ तो सारे पुरुष हैं, निरुक्ति की दृष्टि से जिसमें आत्मा है वो पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पुरुष लेना है वो लेना है मनुष्य के वाचक, मनुष्य के रूप में। ठीक है, तो धरती का जो अलंकरण है वो पुरुष है, सारे गुणों का जो घर है वो पुरुष है, और पुरुष रत्न की तरह है। इतनी बात स्पष्ट हो गई आपको, शायद इससे ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं यद्यपि, तदपि, तदपि मतलब यद्यपि। ठीक है, तदपि का मतलब फिर भी, हाँ तदपि का मतलब फिर भी, तत् मतलब उसको, किसको, उस पुरुष को। ठीक है, उस पुरुष रूपी रत्न को, बोले क्षण भंगी करोती, क्षण मतलब क्षण, भंगी मतलब भंग होने वाला, उसको अर्थात उस पुरुष को क्षण भंगी करोती, क्षण भर में नष्ट होने वाला बनाता है, करोती क्षण भंगी करोती। ठीक है, क्षण भंगी बना देता है, भाई विधि ने या परमात्मा ने पुरुष को बनाया, लेकिन बनाने के साथ ये नहीं बताया कि फला फला पुरुष की मृत्यु कब होगी। आपको नहीं पता आपकी मृत्यु कब होगी, मुझे नहीं पता हमारी कब होगी, लेकिन होगी जरूर, ये तो निश्चित है। ठीक है, तो क्षण भंगी करोती, तत् मतलब उसको, उस पुरुष को क्षण भंगी करोती, क्षण में भंग होने वाला करोती करता है। चेत यदि, यद्यपि, यदि उनको क्षण भंगुर होने वाला करता है, बोले हा हा बड़े कष्ट की बात, हा हा कष्टम, हा हा मतलब ये डबल हा किया ना तो आश्चर्य है, बोले आहा कष्टम बड़े कष्ट की बात है, अपंडितता विधे, विधि की अपंडितता तो देखिए, विधि का, विधि की मूर्खता तो देखिए। देखो पंडितता का अर्थ होता बुद्धिमत्ता, और न पंडितता अपंडितता, विधेहे अपंडितता, बोले विधि की अपंडितता तो देखिए, ये वही विधि है जिसकी अपंडितता इतनी भयंकर है कि इतने इतने गुणों के भंडार पुरुष को तो बनाती है, लेकिन उसको तत्क्षण भंगी कर देती है, अर्थात एक क्षण में नष्ट होने वाला कर देती है। पता नहीं लगता कल तक जो पुरुष हंसता खेलता घूमता था, पता लगा कि वो रहा ही नहीं। बोले विधे अपंडितता, यही विधि की अपंडितता है, ये विधि की मूर्खता है। ठीक है, चलिए भावार्थ इसका कर लें।
भावार्थ है कि अहो बड़े दुख की बात है, ठीक है, हा कष्टम, बड़े दुख की बात है। क्या दुख की बात है? बोले यह जगत की सृष्टा की कैसी मूर्खता है, या विधे अपंडितता, ये विधि की कैसी मूर्खता है कि वह मनुष्य रूपी रत्न को सारे गुणों से संपन्न बनाता है तथा सारे संसार का आभूषण बनाता है, फिर भी उसके जीवन को स्थाई ना बनाकर क्षण भंगुर बना देता है। ये कैसी विधि की मूर्खता है, ठीक है। चलिए, ये हमने इसका भावार्थ भी कर लिया, पदार्थ भी कर लिया। अब इसमें देखते हैं आने वाले प्रश्नों को, होने वाली व्याकरण की टिप्पणियों को। चलिए, मैंने आपसे पहले पूछा था कि सृजति में आपको ये बताना है कि सृजति जो रूप है वो कहाँ का है, लकार, वचन और पुरुष, ये आपको बताने हैं। इसमें लकार क्या है, इसमें वचन क्या है और इसमें पुरुष क्या है, ठीक है, पहली बात। आगे देखते हैं अशेष गुणाकरम, इसमें समास देखते हैं। पहले आप समास कीजिए न शेष अशेष, ठीक है, न शेष अशेष, अर्थात जो शेष नहीं है। कौन सा समास करेंगे? न शेष अशेष न तत्पुरुष समास, ठीक है, न शेष अशेष। फिर कहते हैं अशेषश्चासौ गुणश्च, भाई वही अशेष है और वही गुण है, ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय, वही अशेष है अर्थात वही संपूर्ण है और वही क्या है, गुण है, तो अशेष गुण हो गया, ठीक, अशेष गुण, इतना कर लिया। अशेष गुण होने के बाद अब कीजिए आप षष्ठी समास, तो पूरे का जो समास होगा वो षष्ठी समास होगा। क्या समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष अशेष गुणानाम आकरः, अशेष गुणानाम आकरः, अशेष गुणाकरः, ये आपका समास हो गया, अशेष गुणानाम आकरः, अशेष गुणाकरः, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। यहां पर क्या कर देंगे? षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला देखिए पुरुष रत्नम, देखो पुरुष रत्न नहीं हो सकता, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से पुरुष रत्न नहीं हो सकता। भाषिक दृष्टि से भले कह दो कि तू गधा है, ठीक है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से पुरुष रत्न नहीं हो सकता है। तो पुरुष रत्नम इव तरह हो सकता है, पुरुष जो है वो रत्न की तरह हो सकता है, लेकिन पुरुष जो है वो रत्न नहीं हो सकता, ठीक है, पुरुष जो है वो रत्न आपका नहीं हो सकता। पुरुष रत्नम इव, पुरुष जो है वो रत्न की तरह है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? उपमित कर्मधारय, ठीक है, उपमित कर्मधारय, पुरुष रत्नम इव, क्या करेंगे? उपमित समास, किसी में कर्मधारय भी दिया होगा तो वो उपमित कर्मधारय है, ठीक है, ये हो गया। अलंकरणम, अलंकरणम के अंदर आपको ये बताना है कि अलंकरणम में कौन सा प्रत्यय है, आप लिख के कमेंट कीजिएगा, प्रत्यय क्या है अलंकरणम के अंदर, क्या प्रत्यय, ये आपको बताना है, ठीक है, और बताइएगा जरूर, ऐसा नहीं कीजिए गुरुजी तो पूछते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों पूछते, ऐसा नहीं है भैया, आप बताएंगे तो इससे आपको ही अभ्यास बनेगा, मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आपको बताना है कि अलंकरणम के अंदर कौन सा प्रत्यय है, ठीक, अलंकरणम क्या प्रत्यय करेंगे? अलंकरणम में आप प्रत्यय बताइएगा, क्या प्रत्यय होगा अलंकरणम के अंदर? भुवः, आपको मैंने बताया था कि भुवा जो है उसका विभक्ति और वचन आपको बताना है कि भुवा में क्या विभक्ति और क्या वचन है, ठीक, पूरा हो गया यहां तक। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो समास में तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आपकी पुस्तकों में अगर अन्य कोई समास लिखा हो तो उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक, क्योंकि कई बार व्याख्याकारों की दृष्टियां अलग होती हैं और दृष्टि से सृष्टि भेद होता है। अगला देखिए तदपि यद्यपि, फिर भी बोले तत् उसको, तत् मतलब उसको,
अब उसको किसको, तो तत् मतलब उस पुरुष रत्नम, उस पुरुष रूपी रत्न को, उस पुरुष रूपी रत्न को, ठीक है। तत् मतलब उसको, उसको मतलब किसको, बोले पुरुष रूपी रत्नम, उस पुरुष रूपी रत्न को, समझ गए बात। तत् उसको पुरुष रूपी रत्न को क्षण भंगी करोती, क्षण भंगी करोती, बताइए क्या समास करें क्षण भंगी में। एक आप समास बताइए इसका, मैंने एक प्रत्यय पूछ लिया यहां पर अलंकरणम में, भुवा में विभक्ति पूछ ली, सृजति का लकार पूछ लिया, और क्षण भंगी का समास बता दीजिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या समास लिखेंगे। मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपके सामने पूछा कि क्षण भंगी का समास बताइए, क्या समास करोगे आप, ठीक है। क्षण भंगी का समास बताइए, क्या समास होगा उसमें। करोती मतलब करता है, उसको क्षण भंगी करोती, उसको क्षण भंगी बनाता है, क्षण भंगी करता है, चेत यदि, हा हा, ये विस्मयादि बोधक है। कष्टम बड़े कष्ट की बात है, अपंडितता विधेह, विधे षष्ठी विभक्ति एक वचन, अर्थात विधि की ये अपंडितता है, ठीक है। तो न पंडितता अपंडितता, यहां पर न तत्पुरुष समास हो जाएगा, न पंडितता अपंडितता, ये न तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। न पंडितता अपंडितता, ये न तत्पुरुष, और पंडितता में ये जो अंतिम वाला प्रत्यय है ता, ये है आपका तल प्रत्यय है, कौन सा है तल, और तल किससे होगा, तस्य भावस त्वातलो, ठीक है, तस्य भावस त्वातलो, इससे तल प्रत्यय होगा, और तल का केवल ता बचेगा, इसके बाद पंडितता, ठीक है, कि ये बड़ी अपंडितता है, बड़ी मूर्खता है, ठीक है। इसके बाद आपको अलंकार लिखना है, क्या अलंकार होगा, ठीक है। कई लोग इसमें रूपक मानते हैं, क्योंकि पुरुष के अंदर रत्न का आरोप किया गया है, इसलिए उसमें रूपक है, ठीक है, रूपक अलंकार है। बाकी आपकी पुस्तकों में क्या अलंकार है उसको भी प्रदर्शित कीजिएगा, ठीक है। ये श्लोक हमारा पहला पूरा हो गया, अगर इसमें कोई अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई। अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, अगला देखिए, मालिनी वृत्ति के अंदर है। अयम अमृत निधानम नायकोप्यौषधीनां शतभिषगनुयातः शम्भुमूर्ध्नो वतंसः विरहयति न चैनं राजयक्ष्माशशाङ्कम्। उसे खोल दो ना, किसे हत विधि परिपाकः केन वा लंघनीयः। आपने देखा होगा इसमें कई बार हम भाग्य को लेके बात करते हैं कि पता नहीं सर हमने तो कभी ऐसे कोई बुरे कर्म कभी किसी के किए ही नहीं, या लोग कहते देखे होंगे जी हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, पता नहीं हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। तो गलत नहीं होता है, प्रत्येक को अपने अपने किए हुए का ही फल मिलता है। अब वो अलग बात है कि किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर में मिलता है। आप किसी को एक थप्पड़ मार के देख लीजिए, आपको उसका तुरंत फल मिल जाएगा। आप किसी को दान दे के देख लीजिए, उसका फल थोड़ा लेट मिलेगा। फल हो सकता आगे पीछे हो जाए, लेकिन गुरु मिलता जरूर है। इस फल की गति से कोई बचा नहीं है, ठीक है, इस फल की गति से कोई बचा नहीं है। बस इसी बात को कह रहे हैं, बोले इसमें एक चंद्रमा का उदाहरण दिया। अगर चंद्रमा की विशेषताओं को आप देखें तो चंद्रमा की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे चंद्रमा जो है वो शंकर जी के मूर्धा पर रहता है, चंद्रमा जो है वो औषधियों में रस भरता है, चंद्रमा जो है वो अमृत की खान माना जाता है, चंद्रमा जो है वो नायिका के लिए एक मुख का काम करता है, ठीक है। तो चंद्रमा की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं,
लेकिन फिर भी चंद्रमा के साथ विधि जो है वो गड़बड़ करती है। वो विधि क्या गड़बड़ करती है इसे श्लोक में इसको बताया गया। देखिए कैसे क्या बताया है, बोले आयामामृता निधानम, बस एक पंक्ति इतनी हो गई, पूरी हो गई। बड़ा सामान्य सा अर्थ है इसका, बहुत विशेष अर्थ नहीं है, बहुत सामान्य अर्थ और बड़े सामान्य से शब्द हैं। अगर आप शब्दों की बात करें, अर्थों की बात करें, बड़ा सामान्य सा शब्द, बड़े सामान्य से अर्थ। बोले अयम अमृत निधानम, अयम मतलब यह है, अयम का अर्थ यह होता है, अयम यह है अमृत निधानम। बोले अयम अमृत निधानम हो गया अर्थ। शायद मुझे नहीं लगता कि शायद इससे ज्यादा कुछ और अर्थ बताने की आवश्यकता भी पड़ेगी। अयम अमृत निधानम, यह अमृत का निधान है। अयम मतलब यह है, अमृत मतलब अमृत, और निधानम कहते हैं खान। निधीयते अस्मिनिति निधानम, जहां पर चीजें रखी जाती हैं, गोदाम, एक होता शोरूम एक होता गोदाम, ठीक है, तो एक होता कार्यालय एक होता गोदाम, तो अमृत निधानम, निधानम कहते हैं गोदामम, ठीक है। बोले यह अमृत का गोदाम है, यह अमृत का कोल्ड स्टोर है। अयम, अयम मतलब यह है। अब वो अयम क्या आगे आएगा, वो आगे की बात है। अयम शब्द किसके किसके लिए आया है वो सब हम आगे देखेंगे, लेकिन आप अभी इसको इतना देखिए। बोले अयम मतलब यह है, अमृतम मतलब अमृत, निधानम मतलब गोदाम, यह अमृत का गोदाम है, ठीक। ये प्रथम पंक्ति का पूरा अर्थ, इसका अर्थ हो गया। अगला देखिए, बोले नायको प्यौषधीनाम, औषधीनाम नायको अपि, औषधियों का नायक भी है, औषधीनाम नायको अपि, औषधियों का नायक भी है, ठीक। पहली बात थी कि यह अमृत के, अमृत का गोदाम है, अमृत की खान है, और औषधि नाम नायको अपि, यह औषधियों का नायक है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई, यह औषधियों का क्या है, नायक है। सारी की सारी आपको मालूम होगा, देखो परिपाक जो करता है वो सूर्य करता है, औषधियों में जो परिपाक होता है ना, पकना, इसे सूर्य करता है, लेकिन औषधियों में जो रसपाक होता है, रसों को भरना होता है, वो चंद्रमा करता है। इसलिए कहा नायकोप्य औषधि नाम, ये औषधियों का नायक है, औषधियों का नेता है, ठीक है। तो नायका औषधि नाम, अमृत निधानम, इतनी बात स्पष्ट हो गई। यह अमृत की खान है तथा औषधियों का नायक भी है, नायकोप्य औषधि नाम। अगला देखिए, बोले शतभिषगनुयातः, शतभिषगनुयातः, शतभिषक अनुयाता, शतभिषक अनुयाता। देखो शतभिषक एक तारामंडल है, नक्षत्र मंडल है, उसके द्वारा अनुयाता, अनुगमन किया जाता हुआ, ठीक है। अर्थात शतभिषक तारामंडल के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ, इसके पीछे शतभिषा नाम का तारामंडल जो है वो चलता है, ठीक है। तो अर्थ क्या हो गया, शतभिषक अनुयाता, इसके पीछे शतभिषा नाम का जो तारामंडल है वो क्या करता है, अनुगमन करता, अर्थात इसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है। दूसरा अर्थ इसका ये बनेगा, शतभिषक कहते हैं, भिषक कहते हैं वैद्य को, और शत कहते हैं सैकड़ों, ठीक है। तो सैकड़ों वैद्यों के द्वारा अनुयाता, अर्थात सैकड़ों वैद्यों के द्वारा जो वंदनीय है, अनुगमनीय है, अनुकरणीय है। आपको पता होगा आयुर्वेद के अंदर चंद्रमा से चिकित्सा होती है, चंद्रमा की किरणों के द्वारा चिकित्सा करते हैं, बहुत सारी औषधियों को चंद्रमा की किरणों में ही सुखाया जाता है। अब कहोगे जी सुखाना का धर्म तो सूर्य के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। आपने देखा हो कई सारी औषधियों को छाया में सुखाया जाता है, इनको छाया में, आपके बढ़िया अच्छे कपड़े हों तो उनको कभी धूप में नहीं सुखाया जाता, छाया में सुखाया जाता है, ठीक है। सूखने का मतलब ये है कि पानी का निचुड़ना। तो शतभिषक सैकड़ों वैद्यों के द्वारा अनुयाता, अर्थात अनुकरणीय, जहाँ पर सैकड़ों वैद्य जिसका अनुकरण करते हैं, ठीक। कितनी बड़ी बात है, जो अमृत की खान है और औषधियों का नायक है, चंद्रमा अगर ना हो तो गुरु औषधियों में परिपाक नहीं हो सकता, और सैकड़ों हजारों वैद्यों के द्वारा जो अनुकरणीय है,
या शतभिषा के द्वारा जो अनुकरणीय है। और शंभु मूर्धनो वतंसः, शंभु भगवान शंकर के मूर्धनः, मूर्धा का अवतंसः अलंकरण है, आभूषण है। भगवान शंकर की जो मूर्धा है उस मूर्धा का क्या है, आभूषण है। भगवान शंकर का चित्र बनाइए और उनकी मूर्धा पर अगर चंद्रमा को ना रखेंगे तो गुरु उनका श्रृंगार आधा है, अधूरा है। इसलिए भगवान शंकर की मूर्धा का जो है वो अवतंसा है, अर्थात भगवान शंकर की मूर्धा का आभूषण है। इसलिए कहा शंभु मूर्धनोवतंसा, भगवान शंकर की मूर्धा का अवतंसा है, आभूषण है। ठीक है, तो शतभिषगनुयातः शंभु मूर्धनोवतंसा, अवतंसा आभूषण। फिर कहते जब इतनी सारी चीज है, अमृत का निधान है, औषधियों का नायक है, सैकड़ों वैद्यों के द्वारा अनुकरणीय है, भगवान शंकर की मूर्धा का आभूषण है, बोले फिर भी, बोले विरहयति न चैनम, विरहयति न चैनम राजयक्ष्मा शशांक। राजयक्ष्मा कहते हैं क्षय रोग को, राजयक्ष्मा क्षय रोग जिसको टीवी कहते हैं उसको राजयक्ष्मा कहते हैं, राजक्षय कहते हैं। राजयक्ष्मा अर्थात जो क्षय रोग है, बोले शशांकम, ऐसे शशांकम, शशा अंके यस्य, कहते कि रात में चंद्रमा को देखो तो ये लगता है जैसे चंद्रमा के अंदर खरगोश घूम रहा हो। आज जाके रात में देखिएगा आपको मालूम होगा कि चंद्रमा के अंदर खरगोश भी रहता है। ठीक है, बोले राजयक्ष्मा, ये जो राजक्षय है, ये जो क्षय रोग है, ये शशांकम चंद्रमा को, और एनम शशांकम इस चंद्रमा को ना विरहयति, ना मतलब नहीं, विरहयति मतलब छोड़ता है, ये राजयक्ष्म जो रोग है ये चंद्रमा को भी नहीं छोड़ता। देखो इतनी इतना सब कुछ है उसके पास, शंभु भगवान शंकर की मूर्धा पर रहता, कभी भगवान शंकर से सिफारिश करा ले कि प्रभु हम हमेशा पूर्ण रहना चाहते हैं। ठीक है, सैकड़ों वैद्यों के द्वारा अनुकरणीय है, वैद्यों के द्वारा ब्रह्मा जी के पास जाके अनुनय विनय करा ले कि प्रभु हमें हमेशा पूर्ण चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती, कृपया चंद्रमा को घटाइए बढ़ाइएगा नहीं। ठीक, औषधियों का नायक है और सारी औषधियां धरती की जाके भगवान ब्रह्मा के पास जाके बोलें कि प्रभु हमें चंद्रमा की आवश्यकता है, पूर्ण चंद्रमा कीजिए हमेशा के लिए। देखो इतना सब कुछ, इतनी बड़ी उपाधि, इतना बड़ा स्थान होने पर भी राजयक्ष्मा शशांकम ना विरहति, जो क्षय है वह शशांक को भी नहीं छोड़ता। भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि जो राजयक्ष्मा शशांक को नहीं छोड़ता गुरु, वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा। ठीक, जो राजयक्ष्मा शशांक को नहीं छोड़ता वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा, बताइए भाई। जो राजयक्ष्मा शशांक को नहीं छोड़ रहा है वो तुम्हें कैसे छोड़ेगा, अर्थात बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ठीक, देखो विरहयति, और ये ठीक, तो राजयक्ष्मा अगर शशांक को नहीं छोड़ता तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। अर्थात सीधी सी बात यह है कि जो भाग्य है, जो विधि है, जो दैव है, आप कहीं भी हो जाओ, आप कहें भारत के प्रधानमंत्री हो जाओ, अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाओ, कितने धन धान्य वाले हो जाओ, कितने पैसा संपत्ति धन ऐश्वर्य वाले हो जाओ, लेकिन अगर विधि जो आपके भाग्य में लिखा वो मिलेगा जरूर, उससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। ठीक, इसलिए के कहा गया कि बोले विरहयति, विरहयति नाचैनम राजयक्ष्मा शशांकम, राजयक्ष्मा शशांकम ना विरहति, राजयक्ष्मा जो है वो शशांकम शशांक को ना विरहयति अर्थात नहीं छोड़ती है। ठीक, चलिए आगे देखिए, बोले हत विधि परिपाक, हत दुर्भाग्य से विधि परिपाक, ये जो विधि का परिपाक है, ठीक है, विधि परिपाक अर्थात विधि का जो परिपाक है, हत विधि परिपाक, ये विधि का जो परिपाक है,
परिपाक कहते किसी का फल मिलना, कर्मों का फल होता ना उसको कहते परिपाक। ठीक है, तो दुर्विधाता के जो विधि का परिपाक है, जो लिखी हुई विधि है, केन वा लंघनीयः, यह है विधि परिपाकः, केन किसके द्वारा लंघनीयः अर्थात उल्लंघन करने योग्य है। भाग्य में गुरु जो लिखा है वो लिखा है, जो लिखा है वो मिलेगा। ठीक है, उसके लिए पीछे आया था ना कि स्वस्था तिष्ठ, आराम से रहिए, जो लिखा वो मिलेगा जरूर, चाहे वह कहीं मिले लेकिन मिलना जरूर है। इसलिए कहते हैं हत विधि परिपाक केन वा लंघनीय, ये किसके द्वारा लंघित किया जा सकता, किसी के द्वारा इसको आलंघित नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए ये हमने इसका अर्थ कर लिया, इसका एक बार भावार्थ देख लेते हैं, इसका भावार्थ क्या है। देखिए भावार्थ, कहते हैं कि चंद्रमा अमृत का भंडार है, अयम अमृत निधानम, और यह अनेक प्रकार की औषधियों का स्वामी है, नायकोप्यौषधीनम, अनेक तारा रूपी सैकड़ों अरबों खरबों और वैद्यों के द्वारा अनुकरणीय है, सतभिषग अनुयात, शंभु मूर्धना भगवान शंकर की मूर्धा का जो है आभूषण है, फिर भी ऐसे चंद्रमा को राजयक्ष्मा, ऐसे चंद्रमा को राजयक्ष्मा जो रोग है वो नहीं छोड़ता। इसलिए सही कहा गया है कि दुर्विधाता ब्रह्मा ने जो भाग्य में लिख दिया उसे भला कौन टाल सकता है। ठीक है, कौन टाल सकता है। चलिए इसकी व्याकरण वाली टिप्पणियां कर लेते हैं। अयम मतलब यह है अमृत निधानम, बताइए क्या समास होगा अमृत निधानम में, क्या समास करें। ठीक, अमृत निधानम, तो अमृत निधानम में समास होगा अमृतस्य निधानम अमृत निधानम, अमृतस्य निधानम अमृत निधानम, कौन सा समास करेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, अमृतस्य निधानम अमृत निधानम, अमृतस्य निधानम, निधानम कहते हैं खान को, अमृत की खान है, षष्ठी तत्पुरुष समास। नायकोप्यौषधीनाम, औषधीनाम नायकः, औषधियों का नायक है, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। हाँ, इसमें आपको ये बात याद रखी, नायका में आप प्रत्य लिखिएगा, नायका में क्या प्रत्यय होगा, इस नायका में प्रत्यय बताइए कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक, नायका में आपको प्रत्यय बताना है। सतभिषक, सैकड़ों वैद्यों के द्वारा अनुयाता, अनुयाता में अनुपूर्वक या प्रापणे धातु से, और आपका जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का नाम है क्ता प्रत्यय। ठीक है, तो शतभिषक सैकड़ों वैद्यों के द्वारा अनुयाता अर्थात इसमें क्ता प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद अब आपको समास बताना है शंभु मूर्धना, शंभु मूर्धना में क्या समास करेंगे। ठीक, जो नहीं बता पाएंगे कल मैं बता दूंगा शंभु मूर्धना का समास क्या होगा। ठीक है, तो शंभु मूर्धना में क्या समास करेंगे, और शंभु मूर्धना जो है इसका विभक्ति और वचन, जो वचन है वो बता दीजिए, शंभु मूर्धना में क्या विभक्ति है और क्या वचन है। ठीक है, अब तंसा का अर्थ होता है आभूषण, वीरहयति छोड़ता है, आगे लिखा है ना अर्थात नहीं छोड़ता, चैनम वृद्धिरेचि चा और एनम चैनम। ठीक है, अर्थात इसको राजयक्ष्मा शशांकम, पूरा वाक्य देखेंगे तो राजयक्ष्मा एनम शशांकम ना विरहयति, राजयक्ष्मा जो राजक्षय रोग है इस शशांक को भी ना मतलब नहीं, विरहयति मतलब छोड़ता है। ठीक है, राजयक्ष्मा इसको कभी छोड़ता नहीं है। हत विधि परिपाकः, हत विधि परिपाकः, तो विधिनः परिपाकः विधि परिपाकः, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, और हतश्चासो विधिश्च, हत विधि वही हत है मतलब वही दुर्भाग्यशाली है और वही विधि है, तो पहले में हतश्चासो विधिश्च हत विधि होगा, ये कर्मधारय में चला जाएगा, और हत विधेः परिपाकः, हत विधि परिपाका, दुर्भाग्य विधि का परिपाक अर्थात उसका विपाक, पका हुआ फल
बोले ऐसी केन किसके द्वारा लंघनीया, हत विधि का जो परिपाक है वो केन लंघनीया, किसके द्वारा लंघनीय है, किसके द्वारा आपका उल्लंघनीय है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया, मालिनी वृत्त है। इसके बाद अलंकार आपको बताना है कि इसमें अलंकार क्या होगा, कुछ काम मैं करके चलूंगा, कुछ काम आपको करना है। ठीक है, चलिए तो अगला 89, 90 और 91, कोई बात नहीं, आज हम इन दो को श्लोकों को रखते हैं, क्योंकि आज हमारा जो लाइव था वो चल नहीं पाया, नेटवर्क की समस्या थी आज, और कल उसको आराम से वाईफाई में बैठ के करेंगे। तो कल देखते हैं, अगर क्लास 10 से होगी तो हो सकता है कल से हम 10 से क्लास कर लें, और 10 से नहीं तो 11 से क्लास कर लें। ठीक है, क्योंकि 9 बजे थोड़ी दिक्कत रहती है, या 9 बजे ही देख लेंगे, जैसी बात बनेगी आपको मैं बता दूंगा, कल हम बाकायदा लाइव करेंगे। आज ये क्लास आप सभी उसको देखिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को नमः संस्कृताय, सभी का जो दिन है वो शुभ रहे।